हाय फ्रेंड्स, अभी हम चर्चा करेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार पर। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है तो वह देख लीजिए। जैसे अशांत आवर्ती कहने का मतलब हुआ कि वन में हम थ्री से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो 0.33333 ये आते रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 0.3 पे बार, ऐसे करके ऊपर में बार लगा देते हैं तो उसका मतलब हो गया कि यह 3 आते रह जाएगा। फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम देते हैं तो वह एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम दो में दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि दो में हम 7 से डिवाइड करना चाहते हैं तो 0.427 × 14 6 8 7 8 56 7 5 35 7 7 49 7 1 7 3 7 4 28। मतलब यही चीज आपको फिर से रिपीट होता रह जाएगा, यही फिर से रिपीट होगा 4 2 8 5 7 1। तो इसी को हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, यानी कि एक संख्या या संख्या समूह दशमलव के बाद वह निरंतर आते रहता है। तो उसका और एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि जैसे कि तीसरा हम लिए कि 2.737373 ये क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, 7 3 7 3 आता ही जाता है, तो इसे 2.73 पर रेकर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहीं पर अगर दूसरा संख्या रहता, जैसे यहीं पर चार नंबर में 4.322222 यही 2 बार बार आते रह जाता तो इसे हम क्या लिखते, 4.3 और सिर्फ 2 पर रेकर्डिंग, क्या लिखते, 2 पर रेकर्डिंग बोले या बार बोले ऐसा लिखते। तो इसी को कहते हैं हम क्या, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो अब हम इसी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को पी बटे क्यू के रूप में निरूपित करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि पहला एग्जाम्पल हम लिए हैं 0.3 पर रेकर्डिंग, तो जो संख्या लिखा हुआ है 0.3 तो यह टोटल क्या हो गया, मतलब मूल रूप से यह 3 हुआ, तो 3 अब बटे में जितने अंक पर रेकर्डिंग दिया हुआ, जैसे सिर्फ 3 पर रेकर्डिंग दिया हुआ है तो 1 ठो 9 देंगे, 1 ठो अंक पर रेकर्डिंग है तो क्या देंगे, 1 ठो 9 देंगे, ठीक है। और वहीं पर तो यहीं कट करके 3 3 9 क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। अब दूसरा देखिए 0.72 है तो यह टोटल संख्या लिख देंगे तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 7 2, आ जितने पे रेकर्डिंग है 2 ठो अंक पे रेकर्डिंग है तो नीचे में क्या देंगे, 2 ठो 9 देंगे, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दो नंबर में है 3.2 पे रेकर्डिंग, तो पूरी संख्या आप 3 2 लिख दीजिए, रेकर्डिंग को छोड़ करके जो बचा हुआ है 3 बचा है तो 3 को इसमें से क्या कीजिए, घटा दीजिए, अब बटे में कितना पे रेकर्डिंग है 1 ठो पे तो 1 ठो 9 दीजिए, तो 32 में से 3 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 29, तो यह हो जाएगा 29 अब बटे में 9, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, बेहद आसान है, कहीं भी किसी तरह की इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब बेहद आसान तरीके से इसको बनाना सीखेंगे, जैसे 4.3232 है तो पहले आप लिख दीजिए 4 3 2, जो पीछे बचा हुआ क्या 4 बच गया तो 4 को इसमें से आप क्या कीजिए, घटा दीजिए, ठीक है, बट्टे में 2 ठो पे रेकर्डिंग है तो 2 ठो 9 नीचे में दे दीजिए, तो टोटल कितना हो गया, तो उसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, अर्थात 428/99। इसमें देखिए कि 3.02 है तो पहले पूरा लिख दीजिए 302 302, अब पीछे में जो बच गया तो रेकर्डिंग को छोड़ के क्या बचा है, 30 बचा है तो इसमें से आप कितना घटा दीजिए, तो 30 घटा दीजिए, बट्टे में कै ठो पे रेकर्डिंग है 1 ठो पे, और रेकर्डिंग और दशमलव बला के बीच में कितना अंक बचा है, रेकर्डिंग और दशमलव बला के बीच में, जैसे
इसके इसके बीच में कितना है, एक गो अंक है, तो एक तो यहाँ पर क्या देंगे, जीरो देंगे। अब इसे कैलकुलेट कर दीजिए, यहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे दो अगला नंबर में देखिए 0.123 पे, थ्री पे सिर्फ रेकरिंग है तो पूरा संख्या 1, 2, 3 लिख दीजिए, 1, 2, 3 इसमें से घटा दीजिए कितना, तो रेकरिंग और दशमलव के बीच में रेकरिंग के पीछे जो बचा है, तो 0, 1, 2 है तो सिर्फ 1, 2 इसमें से क्या होगा, घट जाएगा। अब बट्टे में क्या आएगा, एक ठो पे रेकरिंग है तो एक ठो 9 दिए, रेकरिंग और दशमलव के बीच में 2 ठो अंक है तो इस पर 2 ठो 0 दे दिए। इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए तो यहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेहद आसान है, तो मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी यह वीडियो।